अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है शहजाद और आज हम स्टूडियो में बात कर रहे हैं फोटोशॉप के बारे में। फोटोशॉप सीसी 2018 के बारे में, उस हवाले से हम जो है वो ट्रेनिंग आज स्टार्ट करने लगे हैं। तो ये हमारा पहला लेक्चर है, ठीक है। तो पहले लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। पहले लेक्चर में आपको जो है फोटोशॉप की जो मेन थिंकिंग है, मेन चीज़ें हैं, इसकी सेटिंग वगैरह है, प्रॉपर्टीज़ वगैरह हैं, और इन सब चीज़ों के बारे में यानी कि डिस्कस करेंगे। और इसके अलावा इसके जो ब्रशेज़ वगैरह हैं और बाकी जो सारा टूल्स है वो भी हम आहिस्ता आहिस्ता हर एक लेक्चर में, हर एक एपिसोड में हम डिस्कस करते जाएंगे, ताकि आप सब लोगों को समझने में और सीखने में आसानी हो और आप ज़्यादा से ज़्यादा यानी कि सीख सकें। तो हमारा काम तो है बेसिकली लोगों को सिखाना ही है, तो ये लोगों पर डिपेंड करता है वो कितना गेन कर सकते हैं अपने इस लेक्चर को सुनते हुए और इस लेक्चर को देखते हुए कितना से कितना ज़्यादा गेन कर सकते हैं। तो वीडियो जो है, जो आज पहला लेक्चर है, तो पहले लेक्चर में ये होगा कि हम फोटोशॉप जो है सीसी 2018 आपके पास होना ज़रूरी है। सीसी 2018 जो है वो न्यू वर्जन रिलीज़ हो चुका है। अगर आप में से किसी के पास सीसी 2018 नहीं है तो वो मेरे लिंक में से नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूँगा, वहाँ से वो डाउनलोड कर सकता है, ठीक है। और इसके अलावा अगर किसी के पास सीसी 2018 को चलाने के लिए आपके पास थोड़ा अच्छा पीसी होना चाहिए जो इस को कवर करे, ठीक है, और इस हवाले से कवर करे कि आपके सिस्टम पे पीसी पे ये चला सके। तो अगर आपके पास नॉर्मल पीसी है तो आप फिर भी इसे चला सकते हैं, मतलब थोड़ा हल्का वर्जन यूज़ करके 2014 कर लें, CS6 कर लें या CC सिंपल कर लें। अगर किसी को वो चाहिए तो वो भी मैं लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। अगर आप लोगों में से किसी को कोई चीज़ चाहिए हो तो आप मुझे कमेंट में कर सकते हैं कि ये चीज़ जो मैं लाजमी उसको प्रोवाइड करूँगा। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए, वो वीडियो को मैं स्टार्ट करता हूँ। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं, वीडियो तो काफ़ी देर की स्टार्ट हुई है, बल्कि हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो है हम जो फोटोशॉप को बेसिकली ओपन करेंगे, फोटोशॉप को ओपन करेंगे। मैंने भी 2018 नहीं किया हुआ, मैंने भी सीसी 2014 किया, क्योंकि ये लेक्चर और फिल्टर्स और इसके अलावा जो प्लगइन्स के हवाले से वो ये बहुत अच्छा है और काफ़ी प्लगइन्स ये चलाता है, ठीक है। ये मैंने भी प्लगइन फिल्टर इंस्टॉल किया हुआ है गूगल लिंक कलेक्शन, तो परेशान ही आपने होना कि क्या चीज़ इंस्टॉल की है। तो ये जो है इसका फर्स्ट इंटरफेस है, फोटोशॉप का जो फर्स्ट इंटरफेस है वो इस हवाले से होगा जब आप इसको इंस्टॉल कर लेंगे, ठीक है। इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, ये इतना मुश्किल भी नहीं है जितना ये देखने को लग रहा है, क्योंकि बहुत ईजी है। प्लस आपके माइंड में सेंस ह्यूमर की ज़रूरत है, मतलब कि आप इसको किस हवाले से लेते हैं, कितना अच्छा है आप इसको सीखते हैं, सारा बहुत इजी है, ठीक है। कोई इसमें मुश्किल की बात नहीं है, कोई ये और चीज़ नहीं है, खाला जी का वाड़ा भी नहीं, इतना भी नहीं है कि इजी है कि खाला जी का वाड़ा। तो हम इसको स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो मैं आपको चीज़ें बताता चलूँ, ये इसकी जो है ये मेन्यूज़ हैं, तो ये इसके मेन्यूज़ बार है सारी, ये इसके ऊपर ये फाइल है, एडिट है, टाइप लेयर, ये सारी इसके मेन्यूज़ हैं। और इसके अलावा ये पूरा मेन्यू बार है, क्लोज वगैरह है। फिर इसके जो लेफ़्ट साइड्स पे है ये है टूल बार है, ये पूरी टूल बार है। यहाँ से आप इसको एक्सपेंड भी कर सकते हैं, मतलब कि पुराने फोटोशॉप की तरह, और जहाँ पर इसको क्लोजर भी कर सकते हैं। तो ये एक एक टूल आपको नज़र, जिस टूल पे आप सेलेक्ट करते जाओगे, जिस टूल पे उसकी जो मेन्यूज़ है, सब मेन्यूज़ हैं, उसमें क्या कैटेगरी है, क्या चीज़ है, वो सारी इस मेन्यू के मेन मेन्यू के नीचे आ रही होगी कि ये क्या चीज़ है और ये किस तरह इसके नेक्स्ट फंक्शन क्या है। इसके अलावा जो चीज़ है, यहाँ पे आपको एक छोटा सा एरो नज़र आ रहा होगा राइट साइड पे डाउन नीचे की तरफ, जब जैसे ही आप इस टूल के ऊपर जाएंगे, इसको क्लिक करेंगे और माउस का बटन जो है वो दबा के रखेंगे, लेफ़्ट बटन दबा के रखेंगे, तो आपको इसके एक्स्ट्रा सब मेन्यू नज़र आएंगे जिसको आप मुख्तलिफ कामों के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो ऊपर वाला जो है वो मेन्यूज़ है, ये टूल मेन्यू है, टूल बार है, ठीक है, टूल बार के सब मेन्यूज़ हैं, वो सारी चीज़ें हैं। और उसके अलावा जो इसके राइट साइड पे आ जाए, यहाँ पे आपको एक ड्रॉप डाउन नज़र आ रहा होगा, इसमें लिखा हुआ है एसेंशनल है, मोशन है, पेंटिंग है, फोटोग्राफी है, टोपोग्राफी है, रीसेट एंड सेशन, न्यू वर्क स्पेस है। ये मतलब कि ये उस हवाले से कि अगर आपने हर चीज़ को अपने हवाले से मेंटेन करना है, अपने हवाले से बनाना है, तो ये उस हवाले से कि आप अपने फोटोशॉप को जब ये ऑन हो तो ये किस तरह नज़र आए मुझे, ये मैं इसकी सेटिंग ऐसे करना था, मतलब कि अगर आप मोशन पे करते हो तो ये सारे मोशन वाले फीचर आ जाते हैं, मतलब कोई एनिमेशन वगैरह बनानी है, पेंटिंग करनी है तो पेंटिंग वाले सारे टूल्स आ जाएंगे, फोटोग्राफी वाले टूल्स आ जाएंगे, फोटोग्राफी के लिए फोटोग्राफी के करेंगे तो उसके टूल्स आ जाएंगे। और इसके अलावा रिसर्च करनी है किसी चीज़ को, तो मैं सेंशनल ही रखूँगा क्योंकि मैं इसी
इसको यूज़ करता हूँ। अगर आपने कोई वर्क स्पेस अपने हवाले से बनाई है तो आप इसको न्यू वर्क स्पेस बनाना चाहते हैं, न्यू वर्क स्पेस लिख के उसकी सारी चीज़ें बनाना चाहते हैं, तो आप इस हवाले से इसको चेंज कर सकते हैं। और इसके जो हम लेफ़्ट साइड पे आ जाएँ, इसकी ये वाले मेन्यूज वाले, ये जो सारी चीज़ें हैं ये विंडोज़ के मेन्यूज हैं। विंडोज़ पे आप क्लिक करेंगे तो जो जो सारे मेन्यूज आपको नज़र आ रहे हैं ये सारे इसके मेन्यूज हैं। ये F6 करेंगे तो ये सारी चीज़ें इसकी हैं। ये जो है मैंने जो आमतौर पर रखा हुआ ये लेयर वाला पैनल है, और उसके अलावा ये कलर पैनल है, स्विचेज है, चैनल है, पाथ है, ये आप अपनी मर्ज़ी से रख सकते हैं जैसे आपका दिल करे। तो ये यहाँ पे ये हिस्ट्री वाला मेन्यू है, ये एक्शन वाला है, ये 3D प्रॉपर्टीज, जो भी चीज़ आप लगाओगे उसकी प्रॉपर्टीज़ को शो करता है। और ये ब्रशेज़ हैं, ब्रशेज़ के नीचे ब्रशेज़ हैं, उसके अलावा ये जो टैक्स है और ये भी पैराग्राफ वगैरह लिखा हुआ है। तो ये इसका छोटा सा इंटरव्यू था। और उसके अलावा इसके नीचे जो आ जाए हम, ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं लेयर के साथ। लेयर वाले पैनल में आप जब ऑन होते हो, जब आप किसी चीज़ के ऊपर स्पेसिफिक जो पिक्चर के ऊपर काम कर रहे होते हो, किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर काम कर रहे होते हो, तो ये सारी चीज़ें उसमें मैटर करती हैं कि आपने ब्लेंडिंग मोड ऑन करना है, कलर वगैरह लगाने हैं, न्यू फाइल बनानी है, उस फाइल को डिलीट करना है, कोई फोल्डर बनाना है, तो ये सारी चीज़ें उसमें मैटर करती हैं। किसी को किसी से लिंक भी करना है, ये सारी चीज़ें उसमें मैटर करती हैं, ठीक है। अगर आप चाहते हो कि यार ये मुझे तो पसंद नहीं आ रहा, मुझे ये कलर वाला नहीं चाहिए, मुझे पूरा क्लियर ही चाहिए, तो आप इसको सिंपली क्या करेंगे, इसके ये राइट साइड पर ये जो सब मेन्यूज़ आ रहे हैं यहाँ पे जाके आप उसको करेंगे क्लोज कर देंगे तो सिर्फ कलर क्लोज होगा। अगर आप क्लोज टैब ग्रुप कर देंगे तो दोनों चीज़ें जो हैं ये दोनों क्लोज हो जाएंगी और ये नीचे वाला बटन होगा वो ऊपर चला जाएगा। तो अगर आपसे बेसिकली, और इसमें भी बिल्कुल इसी तरह क्लोजअप है जैसे यहाँ पे क्लोजअप है, यहाँ पे भी क्लोजअप है। अगर आप इसको बड़ा करके देखना चाहते हो तो बड़ा करके देखना चाहते हो बड़ा कर लो, इसको अगर आप क्लोजअप करना चाहते हो तो ये ऐसे क्लोजअप हो जाएगा, ठीक है। परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि ये पता नहीं क्या होगा मेरे से, ये से कोई बात नहीं है, ठीक है। तो ये बेसिकली ये वही चीज़ें हैं, यहाँ पर लेयर्स करोगे लेयर्स आ जाएंगे। ये बेसिकली जो टूल्स हैं ना, ये आप अगर आप इलस्ट्रेटर यूज़ करते हो ना इलस्ट्रेटर, तो उसमें ये आपको सब मेन्यू जो हेड हैं ये इस तरह नज़र आएंगे कि इस तरह इन चीज़ें करते हैं। तो आपने परेशान नहीं होना कि ये चीज़ गायब होगी या ये चीज़ गायब फिर सब कैसे आएगी। बड़े लोग हैं वो परेशान होते हैं, यार ये चीज़ मेरा लेयर वाला पैनल गायब है, मेरा कलर वाला पैनल गायब हो गया, उसके अलावा मेरा जो टेक्स्ट मेन्यू हुआ था वो गायब हो गया, मैं उसको कैसे लेकर आऊँ। तो यार बिल्कुल ईजी है, कोई मुश्किल वाली बात नहीं, सभी चीज़ें आपके सामने हैं, ठीक है, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। कोई इतना कोई ना ये जहाज़ तो नहीं है, रॉकेट साइंस तो है नहीं जो आपको समझ नहीं आएगी। उसके अलावा अगर आपसे कोई चीज़ गायब हो जाती है ना, जैसे कि अभी हमने कलर वाला पैनल था वो हमने गायब कर दिया, ठीक है, तो आप इस विंडो वाले टैब में आके तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि सारी चीज़ें यहाँ पे आपको बारी बारी से नज़र आ रही होंगी। एक्शन है, एडजस्टमेंट है, ब्रश है, ब्रश पे है, प्रेजेंस है, चैनल है, करैक्टर है, करैक्टर स्टाइल है, सोन एनीथिंग है, बहुत ज़्यादा चीज़ें यहाँ पे, ठीक है। तो हमने बेसिकली जो ऑन किया हुआ है जिसके ऊपर टिक भी लगा हुआ है उसकी शॉर्टकट की F7, अगर आप इसको क्लिक कर देते हैं तो ये जो लेयर वाला पैनल वो यहाँ से गायब हो जाता है। फर्ज लिया आपसे गायब हो गया तो कोई परेशानी वाली बात नहीं, आप जस्ट आपने विंडो वाले टैब में जाना है और लेयर्स को ऑन कर देना है। लेयर को जैसे ऑन करेंगे तो वापस आपने पैनल आपका आपके पास आ जाएगा। तो ये थी इनकी थोड़ी छोटी सी इंट्रोडक्शन के हवाले से कि फोटोशॉप के बारे में, यानी कि बहुत सी चीज़ें लोगों को ना फर्स्ट लेक्चर में जो होती हैं वो समझ नहीं आ रही होती है, पता नहीं आ रही है, वो चीज़ गायब हो गई है, आगे जाके वो आगे आगे वाले लेक्चर देखते रहते हैं तो उनको कुछ समझ नहीं आती है। तो ये इस लेक्चर के हवाले से थी, मतलब अगर आपको कोई चीज़ नहीं समझ आती तो आप भाई पूछ सकते हो, भाई वीडियो देखो, लेक्चर देखो, कोई चीज़ नहीं समझ आ रही नीचे कमेंट करो, मैं आपको 100% रिस्पॉन्स दूँगा। दूसरों की तरह यार कमेंट देख लिया और जवाब नहीं दिया तो ये बैड मैनर्स होते हैं, ठीक है, मैं आपकी जवाब का जरूर अप्लाई करूँगा तो आपने परेशान नहीं होगा। और इसके अलावा जो इसके जो प्रॉपर्टीज वगैरह और इसकी प्रेफरेंस वगैरह के बारे में मैं आपको बताता चलूँ कि आपने जस्ट एंड एडिट में जाना और आपने प्रेफरेंस पे जाना, प्रेफरेंस में आपने क्लिक करना है जनरल पे, तो इसकी शॉर्टकट की भी आगे लिखी है, मतलब आप कंट्रोल प्लस के दबाओगे तो प्रेफरेंस खुल जाएगी। तो ये बेसिकली मैं आपको समझाने के लिए ऐसे कर रहा हूँ, वैसे मैं शॉर्टकट की ही यूज़ करता हूँ। तो जैसे इस पर क्लिक करेंगे, जैसे ही आपको क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक न्यू मेन्यू खुल जाएगा, आपके सामने एक न्यू मेन्यू खुल जाएगा। इस मेन्यू में मैंने अपनी चीज़ें अपने हवाले से सेट की हुई है, ठीक है, तो मैं आपको दोबारा बताऊँगा कि आपके पास ये चीज़ें नहीं होंगी, टिकट वगैरह जो भी चीज़ें सेट करने वाली होंगी वो नहीं होंगी। तो ये मैं चीज़ें आपको बेसिकली बताऊँगा। और इसमें जो आपने टिक करना है वो यहाँ पे ये करना है कि जूम विद स्क्रॉल व्यू करना, मतलब कि आपका जो माउस के सेंटर में लगा हुआ है ये जो घुमाने वाला लगा हुआ है टायर सा लगा हुआ है, घूमने वाला टायर सा है, ठीक
टायर की तरह है। इस पर आप स्क्रॉल डाउन और अप करोगे तो आपकी पिक्चर जो है वो जूम होगी, आपको कीबोर्ड से जूम इन जूम आउट नहीं करना पड़ेगा, मतलब कि कंट्रोल दबाते भी रहो और ये प्लस माइनस दबाते भी रहो, जूम हो रही है जूम इन हो रही है, तो इसकी जिस तरह आपको करने की कोई ज़रूरत नहीं। आपने जस्ट इस बटन पर क्लिक करना है, इसको सिलेक्ट ऑप्शन को सिलेक्ट करना है और आपने स्क्रॉल व्हील से इन आउट करना है सिंपली, नो टू रॉकेट साइंस, ठीक है। तो उसके बाद हम आ जाते हैं इंटरफेस पे। इंटरफेस अगर आपने डार्क वगैरह करना है, डल करना है, तो ये आपकी मर्ज़ी। मैं तो वैसे डार्क ही रखूँगा, मुझे डार्क ही चलता है, ठीक है। थीम उसका डार्क रख लिया, उसके बाद सैमसंग सेटिंग नथिंग है। फाइल हैंडलिंग में तो कुछ नहीं है फिलहाल। फाइल हैंडलिंग में ये है कि अगर आपने फाइल की एक्सटेंशन सेव करनी है, लोअर केस में सेव करनी है, इमेज ऑलवेज सेव होनी चाहिए, ठीक है। प्रेफरेंस परफॉर्मेंस में आ जाते हैं। परफॉर्मेंस में आ जाते हैं कि आपके पास कितनी रैम लगी हुई है। बेसिकली फर्स्ट थिंकिंग ये है कि आपके पास रैम कितनी लगी। मेरे पास इस वक्त 8 GB लगी हुई है, ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह 8 GB लगी हुई है और अच्छा प्रोसेसर, और मेरे पास ग्राफिक कार्ड भी लगा हुआ है। यहाँ पे आपने जो चीज़ लगाई होगी ये यहाँ पे शो कर रहा होगा कि आपने कौन सा ग्राफिक कार्ड लगाया है। तो मेरे पास GeForce 310 लगा है 512 MB में, ठीक है। अगर आपके पास कार्ड नहीं लगा तो परेशान होने की जरूरत नहीं, कार्ड के बगैर भी सोनी अच्छी लगेगी, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो यहाँ पे आपने जो इसकी रैम है ये आपको शो कर रहा होगा कि ये 70% यूज़ करेगा, तो आपने अपने रैम के वाले से मैं तो इसे 80 पे रखूँगा कि 80% ये यूज़ करे, यानी कि कोई तंगी ना दे मुझे, कोई टेंशन वगैरह नहीं। उसके बाद मेमोरी यूज़ के अलावा हम स्क्रैच डिस्क, बहुत से लोगों को ये मसला आता है कि उनकी सी फुल हो जाती है और वो ऑप्शन दे रहा होता है कि जी इसको बंद करके चलाओ, इसको बंद करके चलाओ, इसको बंद करके चलाओ। आपकी सी डिस्क फुल हो चुकी है, स्क्रैच डिस्क फुल हो चुकी है, भाई मसला हल नहीं हो रहा, क्या करें, मैंने काम किया वो सेव नहीं भी नहीं हो रहा, वो कह रहा है कि फुल हो चुकी। तो बिल्कुल परेशान नहीं होना आपने, आपने जस्ट यहाँ पे इसको भी टिक कर देना है ताकि आपकी जब भी सी फुल हो तो वो फॉरली डी पे डाइवर्ट हो जाए और डी को यूज़ करता रहे, ना कि आपको सी पे। तो उसके बाद हम आते हैं हिस्ट्री एंड कैशे पे। आते हैं कैशे में, आपने जो हिस्ट्री स्टेट रखनी है, स्टेटस रखना है, वो 50 की जगह इसको 1000 पे कर देना, मतलब कि आप 1000 स्टेप टू बैक जा सकते हैं। वहाँ पे आप तक 50 स्टेप बैक जा सकते हैं 50 के अराउंड में। अब यहाँ पे 100 1000 स्टेप्स हैं वो आप बैक जा सकते हैं, ठीक है। तो ये आपने 1000 रख देना है। यहाँ पे यूज ग्राफिक प्रोसेसर करना है अगर आपके पास कार्ड लगा हुआ है तो, नहीं तो कोई बात नहीं, टेंशन नहीं। कर्सर आपने यही रखनी है, इसकी सेटिंग यही रखनी है। ट्रांसपेरेंट टूल्स हैं और प्लगइन्स वगैरह, इस पर कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है। और उसके अलावा यहाँ पे 3D वीडियो रैम के लिए कार्ड लगने की वजह से ये आपको 3D रैम का ऑप्शन देगा। यहाँ पे आपने बिल्कुल क्लिक कर देना, ओके कर देना, और ये फुल एंड फाइनल सेटिंग थी। इसके अलावा कोई और चीज़ नहीं है, मतलब कि जो आपको समझ ना आए, ठीक है। ये बिल्कुल ही इजी था, बिल्कुल इजी वे में आपको मैंने सारी चीज़ें बताई हैं, सारी चीज़ें समझाई हैं, एक एक चीज़ नहीं। अगर आपको इसमें से कोई चीज़ समझ नहीं आती तो आप मुझसे दोबारा पूछ सकते हो, मैं दोबारा भी जो है ये लेक्चर दोबारा रिपीट कर देता हूँ कि हमने मेन्यूज़ पढ़े, उसके बाद हमने जो उसके टूल्स मेन्यू पढ़े, टूल मेन्यू के बाद टूल मेन्यू के सब मेन्यू पढ़े, उसके बाद हमने जो राइट साइड के आने थे उसके लेयर्स के पैनल्स पढ़े, लेयर्स के पैनल, उसके बाद हमने विंडोज़ के मेन्यूज वगैरह पढ़े, विंडोज़ के मेन्यूज के बाद हमने जो लास्ट वीडियो प्रेफरेंसेस की, परफॉर्मेंस उसकी सेट की, ये सारी चीज़ें फोटोशॉप में। तो पहले लेक्चर में तो बेसिकली सेटिंग वगैरह सारी चीज़ें ही होंगी, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो भैया लाइक कर दो, शेयर कर दो, और अगर कोई चीज़ समझ नहीं आई तो नीचे कमेंट कर दो, और अगर वीडियो अच्छी लगी तब भी कमेंट कर दो, और लाइक करना मत भूलना, और जो नीचे रेड वाला बटन आ रहा होगा उसको भी सब्सक्राइब कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो ताकि, और उसके साथ ही बेल आइकन भी दबा दो ताकि आपको आने वाली हर नई अपडेट आपको मिलती रहे। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी, ठीक है। तो अगली वीडियो के लिए इजाज़त दीजिए, अपना ध्यान रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।